और आइए शुजालपुर से बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां पर पुल से गिरकर वृद्ध की मौत हुई है। आपको बता दें, पुल पर रेलिंग न होने से हादसा हुआ है। इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद है। घटना से ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शुजालपुर से, जहां पुल से गिरकर एक वृद्ध की मौत हुई है। आपको बता दें कि इस पुल पर रेलिंग नहीं है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लगातार अगर बात की जाए प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की, तो ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि पुल पर आखिर रेलिंग क्यों नहीं थी। अगर पुल पर रेलिंग होती तो यह हादसा नहीं होता, लेकिन रेलिंग ना होने के चलते यह हादसा हुआ है और पुल से गिरकर एक वृद्ध की मौत हो गई है। घटना से ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शुजालपुर से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता दीपक। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, बात कर रहे हैं शुजालपुर की, जहां पर पुल से गिरकर एक वृद्ध की मौत हुई है। जानकारी मिल पा रही है कि इस पुल पर रेलिंग नहीं है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना देर रात की, जब रायपुर निवासी वृद्ध जो है शहर से गांव की ओर जा रहा था, तभी इस पुल पर रेलिंग ना होने का ये हादसा हुआ है। सुनील, जब ये पुल का निर्माण किया जा रहा था, तभी से जो ग्रामीणों में इस बात का रोष था, क्योंकि जो पुल पर रेलिंग नहीं बनाई गई है। सुनील, लेकिन दीपक, सवाल ये निकलकर सामने आता है कि आखिर जब पुल बना हुआ है तो वहां पर रेलिंग भी होनी चाहिए, रेलिंग क्यों नहीं बनाई गई अभी तक? जी सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पुल काफी बहुचर्चित रहा। यहाँ पर जो विधायक है जसवंत सिंह राणा, उनके भी डूबने की यहाँ पर खबरें आई थी, तभी मुख्यमंत्री जी ने घटना के बाद में पुल का निर्माण कराया था। लेकिन इस निर्माण पर लंबे समय से जो रेलिंग की मांग चली आ रही है सुनील, लेकिन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये देर रात की घटना घटित हुई है। सुनील, लेकिन दीपक, अगर बात की जाए, लगातार पुल से गिरने की घटनाएं सामने आती हैं, आखिर कब इस पर लगाम लगेगी और कब प्रशासन जागेगा? जी, इस घटना के बाद हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों का वही पुराना रवैया, उनका कहना है कि शीघ्र ही पुल पर रेलिंग बना दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ऐसी कई घटनाएं जिसमें अधिकारियों का सुस्त रवैया सामने आया है। सुनील, बात अगर ग्रामीणों की जाए, तो ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी तक? निश्चित, इस घटना के बाद में पुलिस ने जो पूरे मामले की जांच की जा रही है, और गांव वालों से भी इसमें बात करके गांव वालों का यह कहना है कि हम जो है इस शव का अंतिम संस्कार तभी करेंगे तब जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर रेलिंग का आश्वासन दे। सुनील, दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।